दोस्तों हमारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पपल फॉर यू को, और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप चैट जो लीक हो जाती है उसके बारे में। आप लोगों ने भी किसी पॉलिटिशियन की या फिर किसी पुलिस वाले की या फिर किसी भी एक्टर की बहुत सारी व्हाट्सएप चैट जो लीक हो जाती है वो देखी होंगी। आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कि सामने वाले की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई, आप इसे देखें, और उसके बाद वो एक सनसनी मचा दी जाती है, और जिसके चलते कि कई बार माहौल भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे किसी की भी व्हाट्सएप चैट आप क्यों ना देख लें, क्योंकि ऐसी व्हाट्सएप चैट बनाना एकदम ईजी होता है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको यही बताऊँगा कि व्हाट्सएप चैट जो लीक हो जाती है या व्हाट्सएप की इमेजेस जो होती है वो कैसे बनाई जाती है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए और ऐसी ही नई नई चीज़ें सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पप्पल अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पप्पल फॉर यू। तो दोस्तों, मोबाइल से ऐसी फेक व्हाट्सएप चैट बनाने के लिए आपको गूगल क्रोम में आना है, और यहाँ पे गूगल में आपको सर्च करना है फेक व्हाट्सएप चैट जनरेटर। और दोस्तों, सर्च करने के बाद यहाँ नीचे में ये देखिए, इसकी एक वेबसाइट आती है, इसको आपको फर्स्ट वाली को सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों, व्हाट्सएप चैट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेंगी फ़ोन की, कि फ़ोन में आपका लुक कैसा लगेगा, नाम कैसा होगा या जो भी। तो फर्स्ट में ये देखिए, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है जॉनी डे ऑनलाइन है, या फिर इसके अलावा एक डीपी का ऑप्शन है, ऑपरेटर, फ़ोन क्लॉक, मतलब टाइमिंग वगैरह कितना रहेगा, ये सारा कुछ यहाँ पे सेट करने के बाद ये देखिए इस टाइप का दिखता है। तो अपन यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं अपने नाम से। तो यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ, जिसके भी नाम का आपको चैट बनाना होगा उसका नाम आप यहाँ पे दे देंगे। तो इसके बाद ऑनलाइन शो कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ से एक डीपी लगा सकते हैं अपन, तो मैं क्लिक टू अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से अपन एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद ऑपरेटर जो फ़ोन का आपका बताएगा, जैसे यहाँ पे वोडाफोन लिखा हुआ है तो मान लीजिए मैं इसको जियो कर देता हूँ। फ़ोन टाइमिंग कि कितने बजे की आप चैट दिखाना चाहते हैं, तो अभी 9:41 AM का है तो इसी को रहन देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए 9:41 पे पप्पल अग्रवाल ऑनलाइन है, और सॉरी यहाँ डीपी गलत लग गई है तो मैं डीपी फिर से चेंज कर दूंगा। बाकी ये देखिए जियो वगैरह यहाँ पे सेट हो गया है। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो कोई दूसरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए मेरी। अब दोस्तों इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बैटरी ऑप्शन भी अपन सेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका परसेंटेज, यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी देखिए 50 में है, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से ये 100% से अगर टिक हटा देंगे तो वो परसेंटेज ना दिखा के सिर्फ बैटरी फुल या हाफ वो दिखाएगा। तो अपन इसको शो कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली आज के डेट में सभी के में रहता है। अब दोस्तों इसके बाद कनेक्शन में आते हैं। कनेक्शन में आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपका फ़ोन जो है वो 3G है, 4G है या फिर वाईफाई पे चल रहा है। तो ये देखिए 4G चेंज हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 3G और इससे वाईफाई, तो मैं वाईफाई ही रहने देता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पे अपन मैसेज, जो भी अपन कन्वर्सेशन दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये ग्रे बबल, इसमें टिक है, अगर आप इस पर टिक करके यहाँ पे कुछ भी भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सामने वाले का रिप्लाई, जैसे हाय हो गया। अब अपन यहाँ पे ऐड टू कन्वर्सेशन में क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर नीचे आएंगे दोस्तों, ये देखिए। अब इसके बाद इसको रिप्लाई करना है, तो अपन को ग्रीन बबल को ओके कर देना है, और यहाँ पे हाय की जगह आप रिप्लाई लिख दीजिए, तो मैं लिखता हूँ हेलो, और इसके बाद फिर से ऐड टू कन्वर्सेशन में क्लिक कर दीजिए। अब नीचे देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, हाय का रिप्लाई हेलो हो गया। अब इसमें फिर से मान लीजिए फर्स्ट वाले को ही ओके करते हैं, ग्रे बबल को, और यहाँ पे लिखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब इसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिर से ऐड टू कन्वर्सेशन में क्लिक करिए, और देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ऐसा मैसेज आ गया है। अब अपन यहाँ पे रिप्लाई करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी यहाँ पे हेलो के बाद सिंगल टिक लगा हुआ है, तो इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे रीड वाले पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे अपन रिप्लाई करते हैं ओके डन। अब इसके बाद ग्रीन बबल को ही ओके करना है, क्योंकि रिप्लाई अपन कर रहे हैं। इसके बाद रीड वाले पे टिक और ऐड टू कन्वर्सेशन कर देते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे नीचे में ओके डन तो लिखा गया, सॉरी यहाँ पे नीचे ओके डन लिखा गया है, और ये देखिए एक नॉर्मल चैट जो होती है वो यहाँ पे दिख रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितनी जेन्यून लग रही है, एकदम मतलब 100%, कोई भी इसको ये नहीं बोल सकता है कि ये फेक चैट है।
अब दोस्तों इसको इमेज के रूप में डाउनलोड करने के लिए आपको करना है बस यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक, और इसके बाद इसको मोबाइल में सेव करने के लिए बस इसके ऊपर क्लिक करके रखिए और यहाँ डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों अपन मोबाइल में ओपन करके देखते हैं गैलरी के अंदर वो फ़ोटो जो है वो सेव हो गई होगी। ये देखिए दोस्तों लास्ट में दिखा रही है, अभी अपन ने भेजा था हाय हेलो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और ओके डन। तो दोस्तों देखा आपने कि व्हाट्सअप चैट बनाना कितना आसान है, तो आज के बाद जब भी आप किसी की ऐसी व्हाट्सअप चैट देखें तो उस पर आँख बंद करके भरोसा ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।